नहीं शरबत बनता है इसमें, शरबत बनता है, ये तो बिक्री होता है इसमें भी, दो बिक्री होता है, ऊपर का भी बिक्री होता है, अंदर का भी बिक्री होता है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग। तो अभी हम लोग जा रहे हैं गांव, हो जाएगा मेरा मम्मी का गांव जा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ से लगभग कितना घंटा का होगा भाई? दो घंटा ना, दो घंटा हो जाएगा। हम लोग का गुनपुर से मेरा माँ का गांव है, दो घंटा का रास्ता। सो अभी हम लोग निकल रहे हैं, मेरा साथ है मेरा बहन और मेरा भाई, जो कि हम लोग का बैग पकड़ के जा रहे हैं। बहुत भारी है और साथ ही साथ इतना गर्म है, इतना गर्म है, इतना धूप तगड़ा है। हम लोगों ने अम्ब्रेला भी नहीं लिया क्योंकि पकड़ने को सुस्ती है अम्ब्रेला वगैरह वो सब, इसलिए हम लोगों ने अम्ब्रेला वो सब भी नहीं लिया। तो चलिए चलते हैं हमारे साथ गांव। जाने से पहले हम करेंगे थोड़ा मार्केटिंग, सब्जी वगैरह लेंगे, दूध वगैरह लेंगे, क्योंकि बस्ती पे हमारे वहाँ कोई मार्केट नहीं है, कोई सब्जी वगैरह का मार्केट नहीं है और एक दुकान तक भी नहीं है। सो हम यहाँ से लेंगे कुछ सब्जी, उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। सो अभी हम लोग गाड़ी पे हैं, अभी यहाँ से निकलेंगे 11 बजे और हम लोगों ने मार्केटिंग वगैरह भी कर लिया है। हम लोगों ने ये सब्जी लिया है, यहाँ पे दूध वगैरह जो भी है बस्ती में खाने के लिए हम लोगों ने ले लिया है। तो चलिए चलते हैं और आपको भी दिखाती हूँ मेरा मम्मी का गांव को। तो चलिए वीडियो में बने रहेगा। सो गाइस, मैं इस वक्त में मेरे मम्मी का गांव पे हूँ। तो मम्मी यहाँ पे ये सफा कर रहे हैं। इसका नाम क्या है मम्मी? सुसुनप। इसको क्या कर रहे हैं? खाना बनाता है। वो टेस्टी होता है ना ये। मैं इसका आपको अच्छे से पट्टा दिखाऊंगी। ये ऐसा दिखता है कुछ, और ये टेंगा होता है, थोड़ा सा कट्टा होता है थोड़ा सा। इसको हम लोग क्या करते हैं कि काना का साथ बना के खाते हैं हम लोग यहाँ पे। तो मम्मी ये सब कर रही है और मेरे को बहुत खाने को मन कर रही है चीज। सो यहाँ पे थोड़ा ठीक है वेटर, मतलब गर्म है लेकिन इतना गर्म नहीं है जैसे गुनपुर में होता है। सो ये हमारा छोटा सा गांव, मेरा नाना जी और नानी माँ का गांव है ये, और ये रहा मेरा नाना जी का घर। सो यहाँ पे मम्मी ये सफा कर रहे हैं, पापा वहाँ बैठ रहे हैं, देन और जो ये मेरा नाना जी है, जीबा जी जो ना मासी का बच्चा बहुत बेजू कर रहा है, उसको संभालने में बिजी है। ये मेरा नानी माँ है, अभी झाड़ू मार रहा है अभी। पापा और आम दोनों अभी जा रहा है आम तोड़ने के लिए। कहाँ है पापा आम? ये वो है ना, चल कच्चा आम खाएंगे ना, गर्म नहीं आते। ये हम लोग है क्या वांग? हाँ इतना समझ। हाँ होगा, एक दूसरे पर और ना हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा गोवा लो। मम्मी का तो लो ये ना, अबा अबा का गच्ची है ना। ओ
ये ला तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं हम लोग का खेती जो कि मैंने कभी नहीं देखा मेरा फर्स्ट टाइम नहीं है तो अभी हम लोग जा रहे हैं पापा हम लोग को दिखा रहे हैं जमीन कहाँ से कहाँ किसका है किसका नहीं तो हम लोग को बताते हुए वो जा रहे हैं आगे आगे आप देख तो साथ ही साथ मैं हमें अपना काजू का बागान को भी देख लूँगी तो चलिए आपको भी दिखाती हूँ हम लोग का काजू का कितना बड़ा बागान है कितना नहीं है इतना बड़ा तो नहीं है लेकिन जितना भी है आपको मैं ज़रूर बताऊँगी ऊपर तक है ऊपर तक देखा देता ना वो जो बड़ा घास देखा देते ऊपर का नीचे से ऐसे सीधा सीधी इधर में आ गया हम लोग का खेती उधर ये ना यहाँ से बाउंड्री है शायद यहाँ से हम लोग का है पूरा ऊपर तक वो ऊपर जो दिख रहा है बड़ा लगत वो ना सब काजू का पेड़ है ना वहाँ नहीं तो आम आम का गाछ तो कटहल का भी है शायद कटहल का है और ये वाला बा ये तो मामा लोग का मम्मी लोग का पूरा वो उधर वो सिंडी खजूर खजूर का और जो जो लोग का पैर ऊपर तरफ में भी अबा हम लोग का जो जो लोग का बहुत है ना ऊपर तरफ में भी और हम लोग का पहाड़ जो पहाड़ का जो है खेती ज्यादा लोग करने वाला ये पहाड़ पार करके ऊपर में है और ये पार का बात नहीं और एक पार में हम लोग और खेती है एक तो कहाँ में वहाँ कहाँ जाएगा लकड़ी कहाँ में आपका ये रहा हम लोग का काजू इतना नहीं निकला इस बार ये ना वांग हम लोग का ना ऐसे निकलते है काजू वाव नहीं पका है ना ये अभी तक कोई कह लोग का पक गया ना पापा गिरेगा आदमी लगेगा पापा उधर आदमी मुंडी फूट जाएगा आदमी का क्या मैं पापा गिरा है तो इसको उठाऊ क्या हाँ आप सकेगा वांग वाह हिलाने से गिरेगा नहीं हाँ हाँ गिरा 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 देखेगा रविकल आओ तो खाता है ऐसे कच्चा से वा धुला के खा लो लोग शरबत बनता है इसमें शरबत बनता है ये तो बिक्री होता है
इसमें भी दो तो बिक्री होता है, ऊपर का भी बिक्री होता है, अंदर का भी बिक्री होता है। ऐसे करने से नहीं, खाने से ऐसे फेंक देना। किस चीज का? नहीं नहीं उसका आप लोग यहाँ में था पापा सुबह? इधर से ले ऊपर से पापा की है। गिरेगा संभाल के। कहाँ तक? काजू देखिएगा तुम कितना कर लिख के और मेरा इतना ला और होगा अगर देखी जाता है। तो या गाइस हम लोगों ने बगान वगैरह देख लिया है, अभी जा रहे हैं हम लोग घर। अभी जा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, पर्सन दिखाए और सोचा नहीं था इतना है बोल के, लेकिन जितना भी है बहुत ज़्यादा ही है हम लोग के लिए और बहुत खुश है देख के। या और मेरे हाथ में ये आम है, पता नहीं किसका पेड़ है, किसका है, कौन है इस पेड़ का मालिक, लेकिन वहाँ से मैंने ले लिया। भैया लुका है, भैया का है बोर्ड है तो मैंने उठा लिया। दिन को तो आ नहीं पाई क्योंकि बहुत गर्म था, इसलिए शाम को आई हूँ और देख लिया हम लोगों ने बागान वगैरह सब। और मेरा ये फर्स्ट टाइम है, कभी मैं देखी नहीं हूँ आके, तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है और देख के बहुत अच्छा लगा। छोटा है बड़ा है जितना भी है, बस हम लोग खुश हैं देख के कि हाँ बाइक ले है। बाइक का नाम पे है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वापस घर क्योंकि शाम हो रहा है और पापा वहाँ पे लकी बुक के जा रहा है और बहन आगे आगे। और बहुत गर्म है यार, सच में बहुत बहुत ज़्यादा ही गर्म है। और ये सब मेरा नाना जी का है, ये लोग यहाँ से जितना आप देख रहे हैं ये सब नाना जी का है। और प्लेन वाला जो आप देख रहे हैं ये बीच में, ये हम लोग का है। वहाँ पे हम लोग कॉटन का बगान करते हैं और बाकी जितना आप देख रहे हैं ये लोग तो सब काजू का है। ज़्यादातर यहाँ पे काजू का ही वो करते हैं, पेड़ लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे काजू से ही हम लोग का वो आता है, खाना पीना वगैरह वो सब हम लोग काजू का बिजनेस करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ आप लोगों को मैंने दिखा लिया। बहुत ज़्यादा खुद ही करना पड़ता है ना पापा, वही प्रॉब्लम है यहाँ पे। यहाँ पे किसी को काम करने के लिए रखा हुआ नहीं है और हम भी मम्मी पापा और मैं अरुणा चलते हैं, तो हम लोग यहाँ पे कभी कभार साल में मम्मी पापा तो आते हैं, लेकिन मैं तो 3-4 साल के बाद आती हूँ यहाँ, और गर्म का वजह से मैं घूम भी नहीं पाती हूँ, इसलिए मैं कभी आया नहीं हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हम लोग का है, यहाँ पे कॉटन का हम लोग वो करते हैं, मकई वगैरह वो सब लगाते हैं यहाँ पे और कॉटन भी लगाते हैं सीजन पे। और मेरा नाना जी का वो पहाड़ से लेके, वो जितना पहाड़ आप देख रहे हैं वो सब मेरा नाना जी का है, और ये पहाड़ पे हम लोग का है पापा का। हाँ काजू, लेकिन हम लोग इसको उठा नहीं सकते, यहाँ पे काजू आप देख रहे होंगे यहाँ पे है, गेट पे बैठा हुआ है, लेकिन उठा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे अपना अपना है, कोई किसी का उठा लिया तो मीन्स गाली सुनना पड़ेगा।
ये सुनने का है गाली, इसलिए हम लोग दूसरा का नहीं उठा देते, जो भी उठाते अपना ही बगान का, अपना ही पेड़ का हम लोग काजू उठाते हैं यहाँ पे। तो हाँ नहीं तो चोर करना तो चोर यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी पूरा गिर के बैठा हुआ है, लेकिन चलो ये भी वो लोग का मेहनत का फल है ना, वो लोग जो मेहनत किया है उसी को ही मिलना चाहिए, हम लोग किसी का नहीं उठाना है, अच्छी बात नहीं है। वो लोग का मेहनत वो लोग का है और हम लोग का मेहनत हम लोग का है। तो या गाइस, तो हम लोग अभी पहुंच ही गए गांव घर की ओर जा रहे हैं हम लोग। कितना सारा है ना सारा, यहाँ भी घिरा हुआ है। ये रहा हम लोग का प्यारा गाँव, यहाँ पे मेरा मामा लोग रहते हैं, जिन्होंने गाना दिया था। और ये हम लोग का चर्च है, आपको मैं कौन से दिखाती हूँ, और ये हम लोग का चर्च है, प्यारा सा चर्च है हम लोग का। गाइस हम लोग पहुंच गया है घर, और गाइस मैं आपको एक चीज दिखाना चाहती हूँ थोड़ा सा, और ये रहा हम लोग का काजू, ऐसे तोड़ के रहा ऐसे सुखाते हैं। क्या कर रहा है यहाँ गागाते पो, ऐसे सुखाया जाता है यहाँ पे। सो अभी बज रहे हैं रात का 11, और यहाँ पे देख सकते हो आप सभी, यहाँ पे गांव पे यहाँ पे सब ऐसे ही सोते हैं रात को बाहर पे बहुत गर्मी के कारण से। सो आज का ब्लॉग्स बस इतना ही, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जिस जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप भी जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखना।